बनेगी गौशाला। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी परिवारों को जंगल में मिला वन अधिकार। टीकमगढ़ जिले के जतारा में वन अधिकार महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समाज और हरिजन समाज के लोगों को वन भूमि के पट्टे दिए गए। यह उन गरीब आदिवासी और हरिजन समाज को वितरित किए गए जो सालों से वनों की भूमि में कब्जा किए हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्बोधन किया। इस कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ सोनवड़े सहित कई अधिकारी और कर्मचारी के साथ स्थानीय भाजपा के नेता मौजूद रहे। वन हमारी संपदा है, हमें वनों को बचाना है। जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की मुखिया, जिन्होंने 2005 से जो वन अधिकार प्रमाण पत्र हमारे भाई गरीब आदिवासी भील गोंडवाना जो हमारे आदिवासी समाज के लोग होते हैं, वह 2005 से अपने जमीन पर अपनी पहाड़ी जमीनों को बंजर जमीनों को उन्होंने अपनी खेती के लिए बनाया है। लेकिन आज यह उत्सव का विषय है और उत्सव का दिन है 19 सितंबर। उत्सव का दिन है कि आज उन्हें अपना उस जो उन्होंने मेहनत करके जमीन बनाई उसमें स्वामित्व प्रमाण पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार समस्त मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर हमारे भीलवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को जो वन अधिकार प्रमाण पत्र मिला है, यह उनके लिए बहुत अत्यंत खुशी की बात है और हर्ष का विषय है। ऐसे हम आज अपने आदिवासी भाइयों की तरफ से और इस जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जतारा जनपद आती है माननीय हरिशंकर पटेल जी विधायक जी की 38 हमारे आदिवासियों को वन हक प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार की मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह को अपने इन भूलवासी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जतारा विधायक हरीश शंकर खटी का क्षेत्र में दौरा जारी है। लगातार क्षेत्र का दौरा कर घोषणाएं कर रहे हैं। जिले के बमौरी कला में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री ने कहा कि 50 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिससे यहां के किसानों की फसलों का नुकसान नहीं हो। वहीं क्षेत्र में बिजली पानी की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। अब देखना रोचक होगा कि यहां पर विधायक खटीक ने क्षेत्र के लोगों को जो आश्वासन दिए हैं वह कब तक पूरे होंगे या फिर यह आश्वासन ही बनकर रह जाएंगे। जो देख रहे होंगे बाकी मध्य प्रदेश के मंत्रालय को देखते रहे, वो मध्य दलालों का गुंडा बन गया था। वहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय बनाया था वो दलालों का अड्डा बन गया था। और जब कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा माननीय कमलनाथ जी से कि आप हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, हमारे क्षेत्र में सड़कें दीजिए, उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल के भवन दीजिए, उन्होंने कहा हमें तहसील दीजिए, उन्होंने कहा हमें पुल दीजिए, उन्होंने कहा हमें योजनाओं का लाभ हर जनता को दिलाना है, ये काम हमारे क्षेत्र में स्वीकृत कीजिए। कमलनाथ जी ने एक बात भी नहीं सुनी कांग्रेस के मंत्रियों की, चाहे वो इमरती देवी हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, जब किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई तो तीनों मंत्री वो लूटे और उनके साथ के मंत्री भी लूटे। कई कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमें पुल दीजिए, पुलिया दीजिए, रोड दीजिए, स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनी तो कांग्रेस के मंत्रियों ने कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस में लात मारी, वो कांग्रेस में लात मारी और कांग्रेस से इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किसी ने उनको खरीद फरोख्त करने का काम नहीं किया। ये दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।